हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और उन एक्सपेरिमेंट में द रिजल्ट जो निकला था उसमें ये निकला था, वेन एवर देर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज अ इंड्यूस EMF सेटअप इन द कॉइल इन फ्रंट ऑफ दैट मैग्नेट। तो अगर एक कॉइल है और साथ में मैग्नेट रखा है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट, अगर मैग्नेट मूव कर रही है या कॉइल मूव कर रहा है या दोनों में से एक भी कोई चीज मूव कर रहा है, देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। अगर वो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, वो वैसे ही रहेगा। अगर हम मैग्नेट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ ए कॉइल तो देयर इज अ चेंज इन अ फ्लक्स, और जब भी चेंज इन द फ्लक्स होगा, induce EMF always set up in the coil, that is the result of the Faraday. On the basis of those observation in the Faraday's experiment, there is some law introduced by the Faraday. Let's start with the Faraday's laws of induction. Induction. Faraday summarized the results of his experiments in the following two laws. Whenever the magnetic flux through a circuit changes, an EMF is induced in the circuit, and it lasts only as long as the change in flux is taking place. So Faraday summarized the result of his experiment in the following two laws. में उसने अपने experiment को result करा था। तो whenever there is a first क्या है? Whenever there is a magnetic flux through a circuit changes, an EMF is induced in the circuit, and it lasts only as long as the change in the flux is taking place. तो उसका फैराडे का एक्सपेरिमेंट यही था कि एक कॉइल थी जो हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था। तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? इट विल डिडक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इफ इट इज प्रेजेंट इन द सर्किट। तो इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके टू चेक द इफ द करंट इज देयर इन द कॉइल, और यहाँ पे हमने मैग्नेट रख दिया था। इफ द मैग्नेट इज एट अ रेस्ट पोजिशन, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर जा रही है, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, जो अभी है 10 मिनट बाद भी वही फील्ड्स रहेंगी। बट इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन द मैग्नेट, या तो मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें, अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं फॉरवर्ड तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इस कॉइल के अंदर जितनी जाएंगी इट विल इंक्रीज होने लगेंगी धीरे धीरे, एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई देगा। सेम अगर ये मैग्नेट दूर जाती है कॉइल से तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इन द कॉइल जो अंदर जा रही हैं कॉइल लाइन कॉइल के अंदर फील्ड लाइन्स जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होगा, तो आपको तब भी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में। तो फर्स्ट लॉ में क्या दे रहा है? व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेट व्हेनेवर द मैग्नेट फ्लक्स थ्रू अ सर्किट चेंजेस, तो यहाँ पे चेंज कब हो रहा है? व्हेन देयर इज अ मोशन इन द मैग्नेट एंड EMF इज इंड्यूस इन द सर्किट। EMF किस में इंड्यूस हो रहा है? इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, एंड इट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। और ये कब तक आपको दिखाई देगा ये फ्लक्स, ये जो इंड्यूस EMF है? जब तक इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मतलब जब तक मैग्नेट मोशन में रहेगी आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्लक्स EMF इसके अंदर इंड्यूस होता रहेगा, एंड यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। The instantaneous EMF induced in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through a surface enclosed by that circuit. E is equal to minus differentiation of phi. Now the instantaneous EMF. इंस्टेंटेनियस EMF बिल्कुल उसकी तरह से है जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे dx/dt या dv/dt निकालते थे, तो इंस्टेंटेनियस EMF वैसे ही निकालते हैं। द इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस एनक्लोज बाय दैट सर्किट, एंड इट इज गिवन बाय दिस इज instantaneous EMF is equal to minus d rate of change of magnetic flux d
phi b by delta t. So this is the instantaneous EMF induced in the circuit. नेगेटिव साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा अपोजिट में रहती है, दैट इज वेयर द नेगेटिव साइन कम्स हियर. बी विद रेस्पेक्ट टू टी, द नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इफ अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट्स ऑफ एन लूप्स ईच विद द सेम एरिया, then the flux through all loops is given by minus n differentiation of phi b with respect to t. Now negative sign is introduced to indicate the direction of induced EMF. ये भी मैंने आपको बताया, the induced EMF is always in the opposite direction of change in the magnetic field. Magnetic flux के ये हमेशा opposite direction में induced EMF होता है. That's why the minus sign come in the whenever we have to calculate the induced EMF. अगर इस फॉर्मूले में n लूप्स रहते हैं, अभी तो मैं एक ही लूप के बारे में पढ़ रहे थे, अगर इसमें n लूप्स होते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय n. द फॉर्मूला इज दिस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आई एम एक्सप्लेनिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 208 एंड 209. लेट्स सी दीज एग्जाम्पल्स. Now the example number 6.2, page number 208 पर है ये. A square loop of side 10 centimeter and the resistance 0.5 ohms is placed vertically in east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 tesla is set up across the plane in the northwest northeast direction. The magnetic field is decreased to zero, just remember this point, zero, in 7 seconds at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and the current during the time interval. This is about the example 6.2 pe hai example. Now according to the question, square hai length 10 centimeters given hai, resistance de rakha 0.5 ohms hai, मैग्नेटिक फील्ड दे रखे 0.1 टेस्ला है, टाइम है 7 सेकेंड्स है. हेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है. दैट टू थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. नाउ पहले तो हम इसकी डायरेक्शंस बना लेते हैं. लेट अस टेक द डायरेक्शंस. अभी इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट यहां बना रहे हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव सेड दैट द स्क्वेयर लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन. ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला प्लेन. दैट मीन्स अगर हम इस पे बनाते हैं तो ईस्ट वेस्ट प्लेन आपका ये थ्री डायमेंशनल आपको सोचना पड़ेगा. अभी ये आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है, मतलब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, तो प्लेन आपका इस तरह से लेटा हुआ है, वर्टिकली है. ठीक है, नाउ इसमें आपका जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये आपका प्लेन है, तो आपको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली सोचना पड़ेगा इसको कि ये आपका प्लेन इस तरह से है. नाउ इसके अंदर अ यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड इज ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस अ प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर ये हो गई तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है. ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. एंड यू ऑलरेडी नो दिस थिंग कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये स्क्वेयर लूप है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स का, ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है. तो अगर ये प्लेन, अगर आपका जैसे ये शीट है, ये प्लेन है आपका ईस्ट वेस्ट, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन. तो ये एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो चाहे इस कॉर्नर पे हो या इस कॉर्नर पे या यहाँ यहाँ जहां पे भी होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आपका एरिया वेक्टर ऐसे रहता है,
ये आपका एरिया वेक्टर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी दो डायरेक्शन के बीच की जो अगर आप डिवाइड करें इक्वली तो वो आपका वो थर्ड डायरेक्शन दैट इज फोर्थ डायरेक्शन आपकी आ जाएगी. तो नॉर्थ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो ये जो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. तो ये जो एंगल बन रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, ये 90 डिग्री का एंगल है. इन दो डायरेक्शन के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑटोमेटिकली ये 45 का एंगल होगा, ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी आपका 45 का हो जाएगा. तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो रहेगा, दिस इज योर 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका. ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री एंगल. नाउ अब सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज एल स्क्वायर जो आएगा वो आपका हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 10^-2 मीटर्स आ जाएगा. नाउ इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ई अभी हमने जो फॉर्मूले से करा है दैट इज योर इज इक्वल टू -N d∅b/dt होगा. यहाँ पर n आपका क्या है, 1 है. अगर गिवन नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज इट इज अंडरस्टूड के वो आपकी जो n की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी. तो इसको अगर नहीं गिवन है तो n की वैल्यू आप 1 रखेंगे. नाउ दैट इज 5^-5/1, दिस इज डेल्टा फाई है, तो दैट इज 5^-5/1 हो जाएगा आपका अपॉन dt. एंड यू नो दैट phi की वैल्यू क्या होती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज BA cos theta. ये रहता है आपका, ना पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, तो यू कैन जस्ट टेक आउट -BA, माइनस साइन आपका आएगा -BA cos theta 2 -cos theta 1 अपॉन dt. नाउ बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, माइनस बी की वैल्यू गिवन है, 0.01 गिवन है. एरिया हमने निकाल लिया 10^-2. cos theta 2 मतलब 45 डिग्री है, क्योंकि वो फाइनल 45 डिग्री पर जाएगा, cos 45. और थीटा वन कहाँ था, 0 से स्टार्ट हो गया, cos 45 पे जा रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो उसकी वैल्यू इन्होंने 0 ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, दे हैव सेड दैट द मैग्नेट फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 7 सेकेंड. तो डिक्रीज टू 0 इन 7 सेकेंड मतलब वो धीरे धीरे 0 हो जाएगी. तो cos थीटा 1 आपकी 0 गिवन है ऑलरेडी, 45 से स्टार्ट करेगा और 0 पे आपका खत्म हो जाएगा. एंड अपॉन dt आपकी ऑलरेडी गिवन है 0.7. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यूज यू विल गेट 0.1 -10^-2 cos 45 इट 1/√2 into 0.7 और ये आपकी वैल्यू आ जाती है somehow 1.0 mA आ जाएगी, सॉरी वोल्ट, माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा आपका. ना E का फॉर्मूला आपको पता, I का फॉर्मूला होता है अपॉन V अपॉन R होता है, और जहाँ जहाँ पे आपका V आएगा वहाँ पे सोच लीजिए E अपॉन R हो जाएगा. E की वैल्यू आपकी दे रखी है 0.μV अपॉन R, आपका रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 0.5. तो आप यहाँ पर 0.5 सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व इट तो 2 μA आपका करंट आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 6.2. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.3. नो एग्जाम्पल 6.3, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 cm, 500 टर्न्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज प्लेस्ड विद इट्स
plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field. It is rotate about its vertical diameter about 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of EMF. Again, इस क्वेश्चन में आपने मैग्नीट्यूड ऑफ EMF निकालना है और करंट इंड्यूस इन द कॉइल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 3×10⁻⁵ टेस्ला गिवन है यहाँ पर. तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यहाँ पर आपको, थीटा वन और थीटा टू भी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न अब की बार एन भी गिवन है और रेडियस क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो 10 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सी सर्कुलर कॉइल है, रेडियस स्मॉल आर रख लेते हैं, उसको 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 10 मतलब एन की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 500 गिवन है, रेजिस्टेंस आर गिवन है 2 ओम्स, थीटा वन 0 डिग्री से थीटा टू 180 तक जा रहा है वो, क्योंकि वो वर्टिकली इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ. अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ये प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकली कॉइल इस तरह से ये खड़ी है कॉइल, जैसे आपका मैरीगो राउंड होता है उस तरह से खड़ी हुई है ये वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्टैंडिंग में खड़ी है. एंड इट्स रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकली डायमीटर, जो उसका डायमीटर है कॉइल का वैसे वो रोटेट कर रही है फ्रॉम 0 से 180 डिग्री पर जा रही है. तो 0 आपका थीटा 1 आपका 0 है, 180 डिग्री तक वो डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रही है. ठीक है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ, कैलकुलेट करना है और इंड्यूस करंट आपको कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑलरेडी गिवन है. तो लेट्स डू द एग्जांपल. कैलकुलेशन के लिए आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस एन डी फाइव बी बाय डी थीटा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन डी टी एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करी, देन आई विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर. तो यहाँ पे एन आपका बाहर आ गया, फाइव टू क्या आपका, क्योंकि फाइव की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है आपका दैट इज बी ए कॉस थीटा रहेगा. तो फाइव हो जाएगा, बी ए को ले लेते कॉमन, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन डी टी, एन बी ए अगेन कॉमन ले लेते माइनस साइन आएगा, माइनस एन बी ए कॉस थीटा टू कितना है आपका 180, तो कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा वन इज योर 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन डी टी, माइनस एन बी ए कॉस 180 आप कितना होता है माइनस वन होता है, माइनस कॉस 0 डिग्री इज योर 1 अपॉन डी टी, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस हो गया माइनस टू और माइनस टू एंड माइनस बाहर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू एन बी ए अपॉन डी टी. ऑल दीज वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी गिवन है, तो फाइव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एन इज इक्वल टू एन टू मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 500 ऑलरेडी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है 3×10⁻⁵ टेस्ला मल्टीप्लाई बाय एरिया. एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो पाई वैल्यू हो जाएगी पाई इज 22/7 एंड आर स्क्वेयर कितना है, आर ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², स्क्वेयर करेंगे 10 सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर्स में आपका आ जाएगा 0.1 मीटर और उसका स्केयर करेंगे तो 10⁻², आपका यहाँ पर आ जाएगा अपॉन डी टी. टाइम दे रखा है यहाँ पर ओके, टाइम यहाँ पे टी दे रखा है
0.25 सेकंड्स दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही है, तो जस्ट मल्टीप्लाई हेयर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी यहाँ पे ईएमएफ की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम अराउंड 3.8 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 वोल्ट निकल कर आएगी। एंड आई जो रहता है आपका यू नो दैट, ये तो ई की वैल्यू आ गई, आई होगा आपका ई अपॉन आर रहेगी, ई अपॉन आर आपको जो ई की वैल्यू है ये ई की वैल्यू है और अपॉन आर आपको ऑलरेडी 2 ओम्स गिवन है तो वैल्यू कम्स हियर 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पीयर इसमें करंट आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 209 पे गिवन है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। Let's take an example on Faraday's laws of induction. The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into the paper is changing according to the relation. Phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 meter Weber. Calculate the EMF induced in the loop at t which is equal to 5 seconds. Now this is a question, magnetic flux through a coil perpendicular to the plane, ये coil है और इसके perpendicular ही आपका magnetic field जा रही है। You have to see the relation, यहाँ पे phi की value दे रखी है 5 t square plus 10 t plus 3 micro Weber दे रखी है and you have to calculate the EMF induced in the loop at the time t is equal to 5 second. Let's see how to solve this example. Let's see the solution. Given phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 meter Weber. It can be written as phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 multiplied by 10 raised to the power minus 3 Weber. We know that E is equal to d phi by dt. By putting the values in this equation we get E is equal to t. Now here phi value is given here. So here you have to take the derivative of phi. So d by dt aapka yahan par aa jayega. Aur 5t square plus 10t plus 3. Iska hume derivative nikalna hai. This is a constant term. Ye to bahar hi rahega. Aur 5t square ka derivative ho jayega 10t. और 10t का क्या हो जाएगा ओनली 10 और 3 इज ए कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट का आपका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। Values in this equation we get E is equal to t plus 1 multiplied by 10 raised to the power minus 2 volt. Now substituting the value of t as 5 seconds, we get E as 0.06 volt. Hence the EMF induced in the loop at t is equal to 5 seconds is 0.06 volt. So after taking the derivative here, यहाँ पे 10 कॉमन ले जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -3 की जगह -2 आ जाएगा। नाउ ये आपका क्या आ गया इंड्यूस ईएमएफ आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे आपको निकालना था तो टी की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देंगे एंड यू विल गेट 5 प्लस 1 इज 6 आ गया। 10 टू द पावर ऑफ -2 इज हियर, द वैल्यू इज दिस, हेंस द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड इज 0.06 volts. See the student, these numericals are very easy. Try to do all the numerical which is based on this formula and don't think ki question aapka complicated hoga. Thoda sa dhyan se padhenge to you can understand how to solve this numerical. Today I will end up my video over here and will continue the next topic in our next video. Good day everyone.